नमस्कार बच्चों, पिछली बार मैंने आपको व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण के भेद बताए थे। व्याकरण के तीन भेद हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। आज हम आपको वर्णों के बारे में बताएंगे। वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा और वर्ण के भेद। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण यानी जिनको मैंने पहले समझाया था कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, इसको इकाई भी कहा जाता है। अब वर्ण के तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताती हूँ कि स्वर, सबसे पहले हम लेते हैं स्वर को। स्वर क्या है? स्वर की ये परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है, वो स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर वो हैं, वो ध्वनियां हैं जिनको बोलने में हमें किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती है, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे स्वर 11 माने गए हैं। कितने? 11 माने गए हैं। कौन कौन से हैं वो स्वर? ए, आ, ई, ई, और ऋषि, र ऋषि, ए, ऐ, ओ, और औ। ये 11 स्वर है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और 11। अंग और अह को इसमें नहीं लिया जाता है क्योंकि ना तो वो स्वर है शुद्ध और ना ही वो शुद्ध व्यंजन है। वो संयुक्त अक्षर माने जाते हैं। दो अक्षरों के मेल से वो बनते हैं, दो ध्वनियों के मेल से बनते हैं, इसलिए वो स्वरों में काउंट नहीं किए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ, यहां तक तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि स्वर क्या ध्वनियां हैं। स्वर वो ध्वनियां हैं जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जो मुख से स्वतंत्र रूप से निकलती हैं बाहर। ये स्वर, स्वर 11 होते हैं। अब मैं आगे स्वरों के भेद बताती हूं कि स्वर के भी भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आप लोग इसको एक बार देख लो, इसको उतार लेना अपनी कॉपी में। अब हैं स्वर के भेद। स्वर के भी तीन भेद माने गए हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर के तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर इन्हीं स्वरों में से वो स्वर हैं, वो अक्षर हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। सबसे कम समय जिनको लगता है, जिसको कहते हैं एक मात्रा का समय। यानी जिन स्वरों को बोलने में हमें एक मात्रा का समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आप ये तीनों पहले लिख लो, उसके बाद में इसके बारे में आपको समझाती हूँ। जिन स्वरों के उच्चारण में
एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। आपने संस्कृत में भी पढ़ा ही होगा ह्रस्व दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर चार होते हैं। कितने? चार माने गए हैं। कौन कौन से हैं लिख लो। ह्रस्व स्वर चार होते हैं, चार हैं। वो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और र, ऋषि वाला रि। ये चार है ह्रस्व स्वर, चार माने गए हैं। अ, ई, उ और रि। क्योंकि इनको बोलने में जो बाकी हमारे जो 11 स्वर हैं उनमें से इन चार को बोलने में सबसे कम समय लगता है। अब इसके बाद मैं बात करती हूं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनको बोलने में ये जो ह्रस्व स्वर हैं, जैसे इसमें एक मात्रा का कहते हैं समय लगता है। एक मात्रा यानी सबसे कम समय, उसको एक मात्रा कहा जाता है। जिसमें इसमें एक मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ स्वरों में दो मात्रा का समय लगता है। यानी वो स्वर जो ह्रस्व स्वरों से थोड़ा देर तक बोले जाते हैं। समझा? जैसे ह्रस्व स्वर जो है, अब इसकी भी पहले आप परिभाषा लिख लो कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर सात हैं। देखो इनको हम बहुत जल्दी बोलते हैं, आ, बोल दिया, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा समय इसमें लगा, आ बोलने में लगा ना। इसी तरह से ई छोटी की मात्रा है, ई जिसमें कम समय लगा लेकिन इससे ज्यादा समय किसमें लगा? बड़ी ई को बोलने में। यानी इसको तो बोल दिया ई और इसको बोलेंगे ई, तो समय ज्यादा लगा ना इसमें। तो ये वो अक्षर है जिनको बोलने में इनसे ज्यादा समय लगता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जो कि संख्या में कितने हैं? सात हैं।
अब आप इनको उतार लो। तीसरे आते हैं प्लुत स्वर, जिसको बोला जाता है प्लुत स्वर। प्लुत का मतलब होता है छुपा हुआ। ऐसे अक्षर, ऐसी ध्वनियां जो बोलते समय जो दबी रहती हैं अंदर, यानी जिनको बोलने में जैसे ह्रस्व स्वरों में एक मात्रा का समय लगता है सबसे कम, दीर्घ स्वरों में दो मात्रा का समय लगता है यानी उससे थोड़ा सा ज्यादा, और प्लुत स्वर वो होते हैं जिसमें तीन मात्रा का समय लगता है यानी दीर्घ से भी ज्यादा का समय जिसमें लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिख लो। जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। आप जैसे उदाहरण के लिए प्लुत स्वरों में तिगुना समय लगता है बोलने में, जैसे मैंने किसी को आवाज लगाई, जैसे मैंने बोला राम, एक शब्द है राम, ठीक है, अब मैंने उसको क्या बोला राम, तो उसमें आ की आवाज जो है वो बड़ी दूर तक गई गई, तो इसमें इसका मतलब इसमें क्या छुपा हुआ था, आ की आवाज छुपी हुई थी। अब मैं बोलती हूँ ओम, हम ओम का उच्चारण करते हैं, क्या बोलते हैं ओम, तो इसमें जो ओ की ध्वनि है वो क्या है, वो थोड़ी दूर तक बोली गई, देर तक बोली गई, तो इसमें ओ की आवाज ध्वनि निकालने में हमें तीन मात्रा का समय लगा यानी दो से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा स्वर जो आवाज निकालने में समय जो लगा हमें, तो वो स्वर जो है वो क्या कहलाते हैं, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। लेकिन हम जब ओम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि ओ की ध्वनि जो है वो दूर तक जा रही है ओम, तो हम इसको क्या लिखते हैं, जैसे हिंदी में तीन लिखा जाता है तो हम इसको तीन लिखकर हमें पता चल जाता है कि ये ध्वनि जो है ये प्लुत स्वर में आती है। जैसे हमने लिखना है ओम, एक तो होता है ओम सीधा लिख दिया, अब एक हमने ध्वनि निकालनी है ओम, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ओ इस तरीके से, ये हिंदी में जो तीन लिखा जाता है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जब हम ओम की ध्वनि बोलेंगे तो इसमें ओ जो है वो दीर्घ बोला जाएगा, देर तक बोला जाता है। अब जैसे एक राम लिख रहे हैं, एक शब्द है राम,
और एक हमने इसको बोलना है राम, या किसी को आवाज लगा रहे हैं राम, तो आ की आवाज देर तक बोली गई इसमें, तो हमने इसमें क्या लगाया है, राम लगा दिया। तो ये स्वर क्या कहलाते हैं, ये वाले जो आ की ध्वनि इसमें छुपी हुई थी, ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये प्लुत स्वर। प्लुत का मतलब छुपा हुआ, जो अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन जब हम आवाज से निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, तो वो सामने प्रकट होती है, तो वो स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनको आप उतार लो पहले, उसके बाद अब ये जो स्वर हैं, स्वर और स्वर के भेद, ये तो हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद अब हम व्यंजन की बात करेंगे। पहले इसको उतार लो, फिर मैं आपको व्यंजन चलाएंगे, व्यंजन शुरुआत करेंगे। आप लोग जब वीडियो देखते हो तो वीडियो में थोड़ा सा नीचे कुछ लिख दिया करो कि आपको समझ में आया नहीं आया, अच्छा लगा कैसा लगा, अच्छा या बुरा, जो भी आपके रिस्पॉन्स हैं वो कम से कम रिस्पॉन्स डाल दिया करो उसमें। इसके बाद व्याकरण का दूसरा भेद है व्यंजन। अब व्यंजन के बारे में बताते हैं। इससे पहले मैंने स्वर समझाए थे। स्वर तो वो ध्वनियां हैं जिनको बोलने समय किसी की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन वो ध्वनियां हैं जो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोली जाती हैं। व्यंजनों को बोलने में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती ही है। अब व्यंजन की पहले परिभाषा लिख लो कि वे ध्वनियां स्वर की सहायता के बिना नहीं बोली जाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। अब व्यंजन कौन कौन से हैं, ऐसे लेकर औ तक तो स्वर कहलाते हैं, लेकिन उसके बाद आता है क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण, ये वाले, ये जो ध्वनियां हैं ये व्यंजन कहलाती हैं। लेकिन शुद्ध व्यंजन जो लिखोगे आप, हर ध्वनि के नीचे हलंत लगा होगा, क्योंकि वो बिना स्वर की है। शुद्ध व्यंजन कैसे लिखते हैं, देखो क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ।
ध ण त ध ध ध न प प ब भ म। ये शुद्ध व्यंजन हम जब लिखते हैं तो हर व्यंजन के नीचे, हर ध्वनि के नीचे हलंत लगा होता है। हलंत का मतलब क्या है कि ये शुद्ध व्यंजन है, ठीक है। और अगर हम इसमें से ये हलंत हटा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वर के मेल से बना है और अब इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, ये शुद्ध व्यंजन है। इसको उतार लो पहले। अब देखो ये जो ध्वनियां हैं ये वर्ग कहलाती हैं। अब इसमें जैसे ये कहलाएगा क, क से शुरू हो रहा है तो इसको हम कहेंगे क वर्ग। ये च से शुरू हो रही है तो इसको बोलेंगे च वर्ग। ये ट से शुरू होती है तो इसको बोलते हैं ट वर्ग। ये त से हो रही है तो त वर्ग बोलेंगे इसको, और ये है प वर्ग। जिस और हर वर्ग में पांच अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह से इसमें भी पांच है, पांच, तो ये वर्ग कहलाते हैं। तो ये क वर्ग से शुरू होने वाले अक्षर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से हैं तो सीधा बोल दो क ख घ। च वर्ग वाले अक्षर कौन से हैं, च छ ज झ न। इसी तरह से ट वर्ग है और प वर्ग है। आपने ये उतार लिया होगा। अब इसके बाद एक चीज और समझाती हूं इसमें। इनको कुछ और भी कहा जाता है, हर वर्ग की ध्वनियों को कुछ और भी नाम से पुकारते हैं। जैसे ये ध्वनियां जो हैं, इनके जो उच्चारण स्थान हैं, ये कहां से निकलती हैं हमारे मुख से? कोई तालु से टकरा कर निकलती है ध्वनि, कोई दांत से टकरा कर निकलती है, कोई होठों से आपस में टकरा कर निकलती है, कोई गले से आवाज से निकलती है। तो इसको जैसे हमने ये बोला, एक तो हम बोलेंगे क ख ग घ, हमको ये नहीं बोलना, हमको शुद्ध व्यंजन बोलना, क ख ग घ ण। तो जब हम ये ध्वनियां बोलेंगे क वर्ग वाली तो हमको लगता है ये यहां से आवाज निकलती है। आप लोग बोलकर भी देख लो, ये ध्वनियां यहां से निकलती हैं, क ये यहां से हिल रही आवाज, कंठ से, गले से। तो इसलिए इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, ये वाली ध्वनियां ये कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। कंठ यानी गला। अब दूसरी है च छ ज न। अब आप देखो, जब हमने क ख ग बोला था तो हमारे जीभ में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, हमने सीधा गले से हमारी आवाज निकली थी। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं च छ ज झ तो हमारी जीभ जो है वो ऊपर तालू से टकरा रही है, यहाँ तालू से टकरा रही है हमारी आवाज, जीभ जो है। आप इसको बोलो च, तालू का जो ऊपर का हिस्सा है, टाइट वाला हिस्सा, टाइट मसूड़ा जो है वो वहां से टकरा कर आवाज निकल रही है, च छ ज झ न। तो ये तालू से टकरा कर अक्षर निकल रहे हैं तो इनको क्या बोलते हैं, तालव्य ध्वनियां।
ये तालव्य के अंतर्गत आती है, तालव्य ध्वनिया। तीसरी है, अब इनको बोलो, ट, ठ, ड, ढ, ण। जब हम इनको बोल रहे हैं तो हमारी ये जो जीभ है, ये जीभ ऊपर जाकर मुड़ जाती है। आप बोलो ट, जीभ तालु के साथ टकराती है और फिर ऊपर से मुड़ जाती है नोक उसकी, तब जाकर ये ध्वनिया निकल रही है, निकल रही है ना। तो मुड़ने का मतलब क्या है, जीभ जब टकराकर मुड़ जाती है तालु से, तो इसको मूर्धन्य बोला जाता है या मूर्धा बोला जाता है, मूर्धा या मूर्धन्य ध्वनिया। इसके बाद आती हैं त, थ, द, ध, न। ये पांच ध्वनियां हैं, ये जब हम इनको बोलते हैं तो बोलो इनको त। अब देखो, अब हमारी जो जीभ, जब तालव्य ध्वनियों में हमारी जीभ तालु से टकरा रही थी, लेकिन अब हमारी जीभ कहाँ टकरा रही है, हमारी जीभ दांत यहां से अंदर से टकरा रही है। तो ये दांत है ना, अंदर के हिस्से से ये जीभ टकराती है, तब जाकर ये ध्वनियां निकलती हैं, त, थ, द, ध, न, निकल रही है। तो ये दांतों से टकराकर जो ध्वनियां निकल रही हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको कहते हैं दंत ध्वनियां। दंत, दंत का मतलब दांत। दंत ध्वनियां। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा, प, फ, ब, भ, म। अब ये ध्वनियां हैं। अब इसको देखो, जब हमने इनको बोला तो हमारे दोनों ये होठ ऊपर नीचे के लिप्स, ये आपस में मिलते हैं तब ये ध्वनियां निकलती हैं। और इतने सारे अक्षर हैं, इतने सारी ध्वनियां हैं, इनमें से किसी को भी बोलने में हमारे होठ आपस में नहीं मिले, इसी को, इन्हीं पांच ध्वनियों को बोलने में हमारे होठ आपस में मिलते हैं। प, फ, ब, होठ आपस में मिलते हैं तब जाकर ये ध्वनियां निकल। तो इनको क्या कहते हैं, ये ओष्ठ ध्वनियां कहलाती हैं। ओष्ठ का मतलब होठ, ओष्ठ ध्वनियां। आप इसको उतार लो कॉपी में। अब देखो, पहले अब आगे के अक्षरों के ऊपर फिर चर्चा करेंगे। अब ये हर वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, ये वाला अणा, ङ, अणा, ने और मैं, ये हर वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, इनको हम क्या कहते हैं कि जब हम ये वाले अक्षर बोलते हैं तो इनको बोलने में केवल हमारे मुख से हवा निकलती है, लेकिन जब हम इन ध्वनियों को बोलते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे गले में रुकावट हो जाती है और कुछ ध्वनियां जो है वो सांस के माध्यम से निकलती है, हणा, ङ, म, तो गले में रुकावट हो जाती है। तो इन ध्वनियों को नासिक के ध्वनियां कहा जाता है। क्या कहलाती हैं ये, नासिक के ध्वनियां कहलाती हैं, क्योंकि इन ध्वनियों का को जब हम लिखते हैं तो हम केवल अंग की बिंदी लगा देते हैं। जैसे हमने लिखना है बंद, तो हमने क्या किया, बंद ना लगा दिया, बिंदी लगा दी, बन,
तो ये ध्वनि न की ध्वनि जो है वो नाक से निकल रही है। तो ये जो ध्वनियां हैं ये नासिक की ध्वनियां कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगी इसमें, इसके बारे में भी समझाऊंगी कि ये बिंदी कहाँ लगती है और कैसे लगती है। तो इनको, ये जो ध्वनियां हैं ये नासिक की ध्वनियां कहलाती हैं। क्योंकि इनको बोलते समय आवाज नाक से भी निकलती है। अब इसके बाद हमने क से लेकर म तक 25 व्यंजन लिख लिए। अब इसके बाद पूरा आता ना, य र ल व श ष स ह क्ष त्र ज्ञ, याद है ना। अब हम इसको लिखेंगे य र ल व, ये अब हम इनको बोलेंगे य र ल व। अब इनको जब हम बोलते हैं, जैसे हमने कंठ ध्वनियां बोली थी क ख, तो वो यहां से आवाज निकल रही थी, लेकिन जब हम इन ध्वनियों को बोलते हैं तो ये गले से भी थोड़ा सा नीचे से जाती है, जहां से कंठ ध्वनियां निकलती हैं उससे भी थोड़ा नीचे से निकलती है ये ध्वनियां। य र ये यहां से निकलती है आवाज, कंठ की यहां से आती है आवाज, इसकी नीचे से आती है। तो ये य र ल व, इन ध्वनियों को अंतः ध्वनियां कहा जाता है या अंतस्थ ध्वनियां भी कहा जाता है। ये अंतस्थ ध्वनियां कहलाती हैं। अब इसके बाद आती हैं श, श, स और ह, ये चार ध्वनियां और हैं श, श, स और ह। इनको जब हम बोलते हैं तो आप देखो कि जैसे हमने बोला श, श जब हमने बोला तो एक मुख से एक हवा बाहर निकली, उस हवा के साथ ही ये अक्षर बाहर निकलते हैं श, स, श, ह। सांस के साथ आवाज करते हुए ध्वनि के साथ ये बाहर आते हैं अक्षर। तो एक अंदर से एक ऊष्मा जिसको बोलते हैं, हमारे अंदर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं और ऊष्मा के साथ ये ध्वनियां बाहर आती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ऊष्म ध्वनियां कहलाती हैं। ये ऊष्म ध्वनियां। उसके बाद बची हमारी तीन ध्वनियां क्ष, त्र, ज्ञ, ये है तीन। अब ये जो तीन है ये ध्वनियां क्ष, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब क्या है कि दो अक्षरों के मेल से जो शब्द, जो अक्षर बनता है वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे जैसे मैं इसको लेती हूं क्ष, क्ष, ये दो अक्षरों के मेल से बना है, क प्लस क्ष के मेल से, क और श के मेल से क्या बना, क्ष। जैसे हम कक्षा बोलते हैं कक्ष, तो क और श निकलता है क के बाद, कक्ष, क फिर आधा क और फिर श, तो ये क और श के मेल से क्ष बनता है। तो इनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं, संयुक्त का मतलब दो, एक से ज्यादा।
उसके उसी तरह से है त्र। ये किसके मेल से बनता है? ता और र के मेल से त्र। दो अक्षरों के मेल से ये भी बना, ये क्या कहलाया? त्र। तीसरा है ज्ञ। ज्ञ जो है ये भी दो अक्षरों के मेल से बनता है, ज प्लस न के मेल से, ज और न के मेल से ज्ञ बनता है। वैसे तो हम इसको ज्ञ बोलते हैं, लेकिन शुद्ध अगर व्याकरण की बात करें तो ये ज बनता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ज्ञान, लेकिन अगर शुद्ध व्याकरण इसका देखा जाए तो वो बनेगा ज्ञान। ज्ञान शब्द होता है, ज्ञान हम लोग बोलते हैं ज्ञान क्योंकि इसको ज्ञ माना गया है, लेकिन बना ये जय और नय के मेल से है। तो बच्चों आप इसको उतार लो कॉपी में, और आज के लिए तुम्हारा जो व्यंजन है, स्वर और व्यंजन, ये दोनों चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीसरा जो हमारे पास बचा है अयोगवाह अक्षर, मैं अब अगली टर्न में उसके बारे में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।